वेलकम बैक टू मन की बात। हम हाजिर एक और वीडियो में। अब आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द मोस्ट वायलेंट मैन यानी कि सलार के बारे में। अब हम कोई सा भी वीडियो बनाए उसके नीचे ना सलार का कमेंट जरूर आता है कि सलार का अपडेट, सलार का टीजर का अपडेट। और डेली मतलब पता नहीं कितने ही मैसेज आते हैं सलार के अपडेट के लिए, सलार के टीजर के लिए। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि देखो, सलार जब से अनाउंस हुई है तब से एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है इसको लेकर। प्रभास इन एन अल्ट्रा मासी अवतार, फुल वायलेंस, उनका लुक, प्रशांत नील, हर कुछ है इस फिल्म को लेके एक्साइटेड होने के लिए। लेकिन टीजर का इतना ज्यादा क्यों क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि मेकर्स ने खुद ही अप्रैल में बता दिया था, प्रॉमिस कर दिया था कि हम लोग आपको टीजर दिखाने वाले हैं। अब उससे पहले उतना ज्यादा टीजर का नहीं पूछा जाता था, अपडेट का पूछा जाता था। लेकिन खुद क्योंकि खुद ही आके उन्होंने बता दिया कि टीजर आने वाला, तो उसके बाद जो रेस्टलेसनेस है ना, जो बेचैनी है टीजर देखने की, क्योंकि सबने एक्सपेक्टेशंस बना लिए थे अपने, तो उसके बाद से जो टीजर है उसका वेट चलते ही जा रहा है। हर महीने शेड्यूल होते जा रहे हैं लेकिन टीजर का कोई अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है और टीजर दूर दूर तक आता नहीं दिख रहा था। लेकिन लास्ट वीडियो में हमको बताया भी था कि जुलाई में भी हम कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं टीजर। अगस्त में मेरा गट फीलिंग ऐसा बोल रहा था कि अगस्त में हो सकता है आपको टीजर देखने को मिल जाए। स्पेशली कल जो अपडेट आया है, कल जो एक इंटरव्यू वायरल हुआ है उसके बाद से तो उसका क्लिप इतना ज्यादा हमको भेजा गया कि भाई इसके बारे में बताओ, टीजर कब आने वाला है, डेट फाइनलाइज हो गया, कुछ पता चला। तो देखो कल क्या हुआ है कि कल जो शिवा कुमार हैं, जो इसके आर्ट डायरेक्टर हैं, जिन्होंने केजीएफ के भी आर्ट डायरेक्शन किया था, सेट्स वगैरह डिजाइन किए थे, वही सलार का भी कर रहे हैं, होमबली फिल्म्स के वही टीम क्योंकि काम कर रही है उसमें। तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया है कि देखो सलार बहुत ही मैसिव स्केल पे शूट हो रही है। ये विजय किरण गंडूर साहब ने भी बताया बहुत बार, क्योंकि उन्होंने बताया कि हम लोग ने बार जो है सलार के लिए बहुत ज्यादा सेट किया है, क्योंकि बाहुबली एंड केजीएफ दो सबसे बड़ी फिल्में हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की, कलेक्शंस वाइज, एवरीथिंग, लव, प्यार, सब कुछ वाइज जो उसको ऑडियंस का मिला है, तो वो दो सबसे बड़ी फिल्में हैं। एक का एक्टर, एक का डायरेक्टर, दोनों अगर साथ में मिल रहे हैं तो आप समझ के देखो कि एक्सपेक्टेशंस कितना होगा। और हमने उसी तरह से इसका मैग्नीट्यूड भी रखा है। तो ये विजय किरण गुंडूर साहब की खुद की मतलब स्टेटमेंट है उनका। सो इस लेवल पे उसको माउंट किया जा रहा है। और उन्होंने बताया कि ह्यूज सेट्स आर बीइंग इरेक्टेड, सेट्स का काम चल रहा है हैदराबाद में, और अगस्त के फर्स्ट वीक में यानी नेक्स्ट मंथ से इसके फिर से शूटिंग शुरू होगी। प्रभास ने अभी रिसेंटली प्रोजेक्ट के का जो शूटिंग है वो खत्म किया है एंड इज ऑफ टू अ स्मॉल वेकेशन आई थिंक। उसके बाद वो वापस आएंगे एंड फिर सलार का शूट फिर से ज्वाइन करेंगे। इसी इंटरव्यू में, इसी स्टेटमेंट के बाद उन्होंने ये बता दिया कि टीजर इज ऑन द वे, मतलब टीजर बहुत जल्दी आएगा, फिर से उन्होंने बोल दिया है। तो उसके बाद जो खलबली है फिर से फैंस के बीच में मच गई। अब ये बहुत लोग हमसे पूछ रहे हैं कि कोई डेट है क्या, तो अभी मेरे पास कोई भी डेट नहीं है। ठीक है, हो सकता है जैसा मेरा गट फीलिंग बोल रहा था, हो सकता है वो सही हो जाए और अगस्त में हम लोग को टीजर देखने को मिल जाए, लेकिन कंफर्मेशन इसमें नहीं है, क्योंकि अप्रैल में टीम ने खुद आके बता दिया था कि हम लोग टीजर निकाल रहे हैं। उसके बाद खुद ही उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, अभी सही टाइम नहीं है, सही टाइम आएगा, एक अच्छा सा टाइम देख के हम लोग टीजर निकालेंगे। तो वो अच्छा सा टाइम अगस्त में होता है या फिर उसके बाद होता है पता नहीं, क्योंकि लास्ट वीडियो में हम आपको ये भी बताए थे कि सलार अब इस मतलब नेक्स्ट साल के फर्स्ट क्वार्टर में नहीं आ रही है, सेकेंड हाफ में आएगी, मतलब जून के बाद ही आप सलार एक्सपेक्ट करो। तो अब क्योंकि टाइम भी है काफी ज्यादा, तो हमको इसलिए भी डाउट हो रहा है कि सलार का टीजर अभी आ सकता है कि नहीं। बाकी प्रभास का बर्थडे भी आ रहा है अक्टूबर में, तो हो सकता है वहां निकल जाए, लेकिन वहां ऑलरेडी आदि पुरुष के मटेरियल्स रेडी रहेंगे। सो देखते हैं किस तरह से चीजें होती है। बस हम यही बताना चाहेंगे कि हो सकता है अगस्त में आ जाए, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत लगा के रखना। जब जैसा कुछ पता चलेगा कंफर्मेशन तो हम आपको आके जरूर बताएंगे। फिलहाल के लिए यही अपडेट है। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर देना यार, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि कोई भी वीडियो, कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं हो। कुछ और बात करनी, इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, वहां भी मैसेज कर सकते हो। चलिए मिलेंगे बहुत जल्दी एक और वीडियो में एक और अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वॉचिंग।